एसडीपीजी कॉलेज की योग टीम ने उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित इंटर कॉलेजिएट स्टेट योग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वोत्तम प्रदर्शन के आधार पर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। यह टूर्नामेंट राजकीय महाविद्यालय हांसी में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के कॉलेजों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के अलावा 25,000 रुपये के नगद इनाम से भी नवाजा गया। एसडी कॉलेज के प्रधान डॉक्टर एसएन गुप्ता भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी विजेता खिलाड़ियों के लिए 6,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा कर दी। मुस्कुराते हो यार, ऐसा लग रहा था। हाँ, हंसते हुए बिल्कुल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को संबद्ध है और हरियाणा सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है, उसमें बहुत प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतियोगिताओं में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय वे ही भाग लेते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जो हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग है, जो महाविद्यालयों में शिक्षा को नियंत्रित करता है, उनकी ओर से हरियाणा पे पूरे राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं और हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से 8 से 10 सितंबर तक हांसी में योग जो टूर्नामेंट संपन्न कराया गया, जिसमें हरियाणा के सभी महाविद्यालय भाग ले सकते थे। लगभग 30 महाविद्यालयों ने इसमें राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लिया और उसमें बताते हुए यह हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, गर्व होता है कि एसटीपीडी कॉलेज पानीपत के छात्र छात्राओं ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार हासिल किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया और योग की विधा में एसटीपीजी कॉलेज पानीपत हरियाणा विजेता बना। योग को अंतर्राष्ट्र में विश्व में भारत ने स्थापित किया और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है और योग की ओर भारतीय समाज भी अब बहुत जागरूक है। बीच में कुछ थोड़ा योग की ओर रुझान में कमी थी, लेकिन सरकारी गैर सरकारी सामाजिक प्रयासों से अब एक आम व्यक्ति भी वो योग के महत्व को जानता है और योग का संबंध मात्र शरीर से नहीं है। योग मात्र शरीर की कुछ क्रियाएं नहीं है, वो शरीर को कुछ निर्धारित आसनों के माध्यम से हिलाना डुलाना नहीं है। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विधा है। योग का संबंध शरीर से भी है, योग का संबंध मन से भी है, योग का संबंध मनोवैज्ञानिकी से भी है, योग का संबंध भावनात्मक स्वास्थ्य से भी है। योग अस्तित्व के हर प्रकार को प्रभावित करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ, प्रत्येक प्रकार का स्वास्थ्य लाभ योग यौगिक क्रियाओं के माध्यम से लिया जा सकता है। तो आज वर्तमान युग में युवाओं में विशेष रूप से जैसे छोटी छोटी बातों पर बहुत हिंसा हो जाती है, जाति पे, धर्म पे, भाषा पे, क्षेत्र पे, और नशे की लत बहुत बढ़ रही है युवाओं में और तकनीक का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है उत्तरोत्तर गिरावट पर है। जिस प्रकार का लाइफस्टाइल, जिस प्रकार का जीवन शैली से हमारा युवा आज जीवन निर्वाह कर रहा है, तो 15 से 20 मिनट भी यदि एकाग्रता से योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अनेक प्रकार की आदि व्याधि से हम बचे रह सकते हैं। अपने शरीर की ऊर्जा का स्तर
और मन में प्रसन्नता का भाव और सबके लिए समभाव और एक बंधुत्व प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर भी और विश्व के स्तर पर भी एक अच्छे एकल समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज किस विषय पर प्रोग्राम चल रहा है? आज का जो ये प्रोग्राम था ये डायरेक्टर हायर एजुकेशन ऑफ हरियाणा के द्वारा आयोजित की गई एक प्रतियोगिता थी जो कि स्टेट इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, जो पीछे 2-3 सालों से ये भी शुरू हुई है। इस प्रतियोगिता में एसडी कॉलेज पानीपत की टीम ने भाग लिया, जिसमें कि पूरे हरियाणा के कॉलेजेस की टीमों ने भाग लिया था। जैसा कि मैं बताऊंगी थोड़ा ब्रीफ करके कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज ही भाग ले पाते हैं, परंतु ये डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का जो ये टूर्नामेंट है इसमें हरियाणा का कोई भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज भाग ले सकता है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन जो है टूर्नामेंट का वो बढ़ जाता है और इसमें 28 से 30 टीमों ने भाग लिया था और इन सभी टीमों को परास्त करते हुए और पछाड़ते हुए हमारे एसडी कॉलेज पानीपत की योगा मैन टीम ने जो है ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और जीत हासिल की। आप कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल प्राप्त किया और इससे भी बड़े गर्व की बात यह है कि इस ट्रॉफी के साथ साथ इन्होंने 25,000 रुपये की नकद राशि जो है पुरस्कार के रूप में इन्हें मिली है और ये हमारे कॉलेज के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन समिति के प्रधान डॉक्टर एस एन गुप्ता जी और प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी ने छात्रों को बधाई दी, उनका हौसला अफजाई किया और हमने ये छोटा सा प्रोग्राम उनके सम्मान समारोह के रूप में रखा ताकि भविष्य में ये जो है सफलता की ऊंचाइयों को छुए। और मैं शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षा होने के नाते अपने डिपार्टमेंट को भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने उनकी मेहनत और परिश्रम का जो ये फल है और इन्होंने हरियाणा में अपनी सफलता का परचम लहराया है। ठीक है, नाम क्या है? डॉक्टर सुशीला बेनीवाल, HOD फिजिकल एजुकेशन। के बारे में SDPG कॉलेज खाली शिक्षा के नहीं स्पोर्ट्स के मैदान में भी बहुत आगे रहा है हमेशा से। इस जो आज का कार्यक्रम था ये खासकर एक स्पोर्ट दैट इज योगा के रेफरेंस में था। योगा में हमारे छात्रों ने हरियाणा राज्य लेवल पे अद्भुत काम किया है, अद्भुत प्रदर्शन किया है और उसी के में सबको नंबर 1 डिक्लेयर करके गोल्ड मेडल दिया गया है। खाली हमारे 6 स्टूडेंट थे उनको सबको इंडिविजुअली भी गोल्ड मेडल मिला है डिफरेंट इवेंट्स में और साथ में ही सरकार की तरफ से उनको 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ता है, उनको आगे भी कुछ करने की भावना जागती है। उसी के रेफरेंस में ये आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था और उसमें सब छात्रों को बुला के इस बात का उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था कि वो भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स लें क्योंकि जीवन में स्पोर्ट्स का बहुत महत्व है। अच्छे स्पोर्ट्समैन का शरीर हमेशा अच्छा रहता है और अच्छे शरीर में ही अच्छा माइंड वास करता है और जो वो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं अच्छा माइंड होगा तभी वो पढ़ाई में एक्सीलेंस कर सकेंगे। इसके लिए सबको प्रोत्साहित किया है, मोटिवेट किया है, सबसे आग्रह किया गया है कि वो सब एक एक स्पोर्ट्स जरूर ले अपने जीवन में। उनसे खुश होके कॉलेज प्रबंधन ने भी फैसला किया कि 6 खिलाड़ियों को हम 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि कह दिए या इनाम कह दीजिएगा जो भी है उनको 6,000 रुपये भी कॉलेज की तरफ से घोषणा की।